हेलो, हमारे साथ राकेश टिकैची हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है। राकेश जी, क्या निर्णय लिया गया किसान महा? निर्णय ये हो कि आज मीटिंग हुई है और दो साल में भारत सरकार से एक बातचीत की लाइन शुरू हुई है, तो हम यही कि लाइन आगे तक चले, लाइन ना टूटते ही आगे तक बढ़नी चाहिए। कटाई का समय था, बावजूद उसके किसानों की खासी उपस्थिति, कटाई का समय है, बहुत फसलों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत संख्या में लोग आए, इसीलिए एक दिन का यहाँ प्रोग्राम रखा। आगे लोग अपना कटाई करें, अभी एक डेढ़ महीना बहुत काम किसानों को है। और जो उत्तर प्रदेश से है, गन्ने की बुआई चल रही है, कटाई चल रही, सरसों की कटाई चल रही, आलू का है, सारा काम चल रहा है। सरकार भी इन पर ध्यान दे और किसान भी अपना ध्यान दे। अरे भैया निकल जा, भैया प्लीज। हाँ चलो, अरे भाई इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और हमारे साथ युधवीर सिंह सहरावत हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी और आज दिल्ली में किसान महापंचायत, क्या निर्णय लिया गया, क्या समझते हैं, कितना असर? जो वायदा किया नवंबर 2021 में आंदोलन खत्म करके, तो सरकार उसके आगे नहीं बढ़ी, और इंतजार के बाद, मतलब हम किसान हैं, जैसा किसान का शर्मिला स्वभाव होता, एक बहुत इंतजार किया, इंतजार करके जब निराशा होने लगी कि सरकार नहीं उस पर गौर करती, तो आज यहाँ आए थे। सरकार को पुनः हमने मंत्री जी के माध्यम से ये बताया कि अति होगी, बिना MSP दिए किसान का जिंदा रहना मुश्किल है। और MSP भी दो बातें हैं, MSP में जो वाजिब कीमतें तय की जाएँ और जो कीमतें तय कर दी जाएँ उसको खरीद हो, 8% खरीद सरकार करती है, 12% बाजार करता है। तो हम ये कहते हैं सरकार 8% खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12% भी जो खरीदे बाजार को बाध्य करो, उससे कम पे ना करो। आज टमाटर की किसान का आपने देखा ही होगा मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक किसान जो है 512 किलो में 2 रुपये लेके जा रहा, 512 किलो जान के उसको, ये टमाटर में है, ये आलू में है, अभी फसल आई है सरसों की, सरसों चल रही थी 5,845, अब गेहूँ चल रहा था, गेहूँ 500 रुपये टूट गया। सरकार माननीय मंत्री को बताया आपने 20 लाख टन गेहूँ बाजार में बेच दिया, बहुत अच्छी बात है, उपभोक्ता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये काम करते आप सितंबर में, आपने मार्च में बेचा उसका सीधा असर किसान के पास, आपने सरसों का पाम ऑयल मंगा लिया जनवरी में, फरवरी में सरसों आई 1300 रुपये, सरकार के अधिकारी जानते हैं, व्यापारियों से मिलकर जान पूछ के फसल के टाइम पे भाव दे रहे, उपभोक्ता को लाभ नहीं दे रहे हो आप, किसान को मार रहे हो ताकि व्यापारी को सस्ता करना मिल जाए। तो ये तमाम बातें आज चर्चा में थी और कही, और कितना लिख के भी दी और भगवान ने भी एक्सप्लेन किया उनको, कितना गंभीरता से लेते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, तो सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। ओलावृष्टि इसका नुकसान किसान को मिलना चाहिए, किसान के कर्जे आज तक की मुक्ति होनी चाहिए, किसान को जो है घाटा हुआ, ये सरकार बार बार कहती है कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं, हम वापस दे देंगे। सरकार का सर्वे है, सरकार के आंकड़े हैं, 43 लाख करोड़ रुपया हमको MSP जो कम मिला इस सरकार के बदले का, जो इन्होंने दिया काट के हमारा बैलेंस दे दो, हमको नहीं चाहिए अनुदान, दाम चाहिए, दाम कीमत चाहिए, कीमत पहले किसान की हमारी मुख्य मांग है, जब तक वो पूरी नहीं होती ये आंदोलन भी खत्म नहीं होगा, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। पहले ये पंजाब से शुरू हुआ था, अगली दफ़े जब हम शुरू करेंगे पूरे देश के सभी ग्राम इकट्ठे करेंगे, वो जारी है। और देखिए MSP की मांग को लेकर के लगातार युधवीर सिंह सहरावत ने बार बार दावा किया है, करना है भाई। जी जी, जी। क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या करना चाहेंगे? बस आंदोलन का निर्णय है, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा, बराबर होगा, लगातार होगा, सरकार को वार्ता के टेबल पर लौटना पड़ेगा और MSP पर गारंटी का आऊंगा।